गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो बताऊँगा नहीं, आप लोग को अभी जाके दिखाऊँगा। वो वहाँ पे काफ़ी लोग जा चुके हैं ब्लॉग बनाने और मैं अभी जा रहा हूँ वहीं पे, लेकिन अभी इस बार बोलूँगा नहीं, अभी चल के आप लोग देखिए मेरे साथ। तो आज भी सुबह ही निकला हूँ मैं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। दोस्तों आज धूप भी बहुत तगड़ा निकला हुआ है अभी, हमारे मतलब आपको मत सिखा। सुबह के 6 बज रहे और धूप ऐसा एकदम लग रहा है जिससे दोपहर में धूप निकलता है वैसा। तो आज भी धूप भी बहुत ज़्यादा है और अपने भाई को सपोर्ट करते रहे दोस्तों। अभी मैं डिपू होके जा रहा हूँ, वहाँ से जल्दी शॉर्टकट। दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा, जब भी मतलब आप ब्लॉग करने निकलते हो ना तो आपके पास कुछ नहीं भी हो, लेकिन आप जब ट्राइपॉड लेकर जाते हो तो आदमी लोग यार ऐसे देखते हैं, ऐसे कुछ देखा ही नहीं है पहले कभी। तो मेरा साथ भी हुआ ऐसा, मैं जब ये ट्राइपॉड लेकर निकलता हूँ तो आदमी लोग मुझे पता नहीं कैसे देखते रहते, एकदम देखते रहेंगे एकदम, कर क्या रहा है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा नर्वस बस लगता है उसके बाद, लेकिन सब ठीक है। जब आदमी लोग के सामने जब बोलने लगता हो ना तो सब खत्म हो जाते हैं अपने आप। तो अगर आप लोग भी कोई ब्लॉग करते हो तो बस ये मत सोचना आदमी लोग देख रहे हो क्या, उनके सामने और करिए, आपका और कॉन्फिडेंस जो और बढ़ेगा। मेरा साथ भी ऐसे ही है भाई, हमेशा रोड तो खाली रहता है लेकिन दोपहर का टाइम में है ना यहाँ पे एकदम भीड़ रहता है गाड़ी का। और अभी तो नहीं है क्योंकि सुबह है ना इसीलिए। और सुबह में आप लोग भी निकलिए, अगर आप लोग ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो सुबह में निकलिएगा तो आप लोग को ना तो ज़्यादा आदमी दिखेगा ना कुछ, लेकिन आप लोग का ब्लॉग बढ़िया बनेगा, मौसम भी ठीक रहता है और सुबह का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप लोग भी सुबह में निकला करिए। रास्ते में ही आपका पड़ता है नेरिम कॉलेज, कॉलेज नहीं भाई इंस्टीट्यूट है, हाँ क्या बोलते हैं उसको, हाँ नेरिम इंस्टीट्यूट, हाँ वही। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। इधर जयनगर साइड में पड़ता है ये। दोस्तों आज रविवार है ठीक है, आज में आपका बाजार लगता है बेलतला का, तो ये बेलतला बाजार लगा है आज में। और यहाँ पे अभी सुबह ही थोड़ा हल्का हल्का भीड़ लग चुका है और जैसे ही 8-9 बजेगा वैसे पूरा भीड़ हो जाएगा यहाँ पे। मैं अभी जो जिस साइड से जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आगे है, वहाँ आगे से जाने से यहाँ पे भीड़ थोड़ा कमती रहता है, तो इसीलिए इधर से जा रहा हूँ अभी। और वहाँ से होके अपना साइंस म्यूजियम होके फिर खाना पड़ा निकल जाऊँगा। दोस्तों आप लोग जो नए हो चैनल पे मुझे सब्सक्राइब करें और अपने भाई को यार सपोर्ट करें। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और कहीं आगे जाके ब्लॉग बनाऊंगा, कहीं दूर दूर जाके। हाँ और अभी लॉकडाउन है जिसके कारण कहीं दूर नहीं जा सकूंगा, तो आप लोग यही देखिए अभी। दोस्तों पहले मैं थोड़ा इस ब्रिज के बारे में आपको बता देता हूँ। ये ब्रिज के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो थे ललित कुमार जैन और इस ब्रिज को बनाने में लगभग आपका 8 महीना लगा होगा और साथ ही साथ इसको बनाने में मतलब 13 करोड़ का आसपास इसका खर्चा बैठा था, तब जाके ब्रिज बना है। और इसको बम्बू से सजाया हुआ है, हाँ सब बोले ही होंगे ब्लॉग में, काफ़ी ब्लॉगर आके यहाँ बना चुके हैं ब्लॉग और मुझे कुछ मिला नहीं था ना दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ आके बनाया हूँ ब्लॉग और आप लोग झेल लेना बस इतना ही बोलूँगा। भाई ब्रिज को काफ़ी अच्छा से बनाया हुआ है, यहाँ पे इसका नीचे से रास्ता भी गया हुआ है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। और यहाँ इसमें मतलब ब्रिज का ऊपर में चढ़ने के लिए रास्ता है दिया हुआ है और इसको बहुत सुंदर से सजा के रखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बम्बू से जो बनाया हुआ है। और अभी मैं इसका ऊपर चढ़ने नहीं सकूँगा क्योंकि अभी ये बंद किया हुआ है, दोपहर का टाइम में खुलेगा। अभी जो है यहाँ पे कुछ लगा के रखा हुआ है ताकि अभी कोई इस पर चढ़ने ना सके, बस इसको बाहर से देख सके, इस पर चढ़ने नहीं सकेंगे अभी।
ये वाला जो है ना कुछ लगा हुआ है, इसका कारण ऊपर में नहीं चढ़ सकते हैं अभी। दोनों साइड से लगा हुआ है, इधर से भी और उधर से भी, दोनों साइड से लगा हुआ है। ऊपर में जाने का दिया, अभी जाने नहीं देंगे। और ये सीढ़ी भी है बना हुआ एकदम बढ़िया सा। इसको बना हुआ कितना आपका, शायद 3-4 महीना हो गया होगा ब्रिज बना हुआ। और इस 3-4 महीना में काफ़ी ब्लॉगर आके बना के जा चुके हैं यहाँ पे ब्लॉग। और आज धूप ना बहुत ज़्यादा लग रहा है एकदम, सुबह सुबह एकदम खतरा धूप निकला हुआ है। ये रोड में भी इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कुछ बोलिए मत, मतलब आने का दिल नहीं करेगा यहाँ पे। लेकिन अभी सुबह में थोड़ा कमती है भीड़, और मैं सुबह में इसीलिए निकलता हूँ ताकि सुबह में, और क्या है ना भाई सबसे ज़रूरी बात, पब्लिक का सामने जो है ना ब्लॉग बनाने में थोड़ा मैं नर्वस हो जाता हूँ, और कुछ नहीं। नहीं तो मैं दोपहर में भी निकल सकता था। अभी 3-4 ब्लॉग बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या अंदर से थोड़ा नर्वसनेस जा नहीं रहा है। वही है पब्लिक का सामने थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। जल्दी उठने का कोई मूड था नहीं, आज में तो मन ही नहीं था भाई उठने का। इतना सोच रहा जब उठने का टाइम आया सोच रहा था आज नहीं बनाता हूँ ब्लॉग, फिर बाद में सोचा अगर नहीं आऊँगा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे भी देर हो ही जाता है, 2 सप्ताह लेट होता है उसके बाद आते हैं, और लेट करूँगा तो जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा भाई। इतना ज़्यादा धूप है कि मतलब हालत ख़राब हो गया साइकिल से ला के। थोड़ा देर रुकूँगा और मैं बोलूँगा एक बात यार, लोग बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग है कहाँ भाई, यहाँ पे बाज़ार लगा था, दुनिया भर का भीड़ लगा हुआ है। और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे मैं देखा हूँ, मेरा साथ भी हुआ है बहुत बार, कितने लोग आएंगे और आपका साथ, मतलब अगर आपका आपके ऊपर अच्छा कपड़ा नहीं है ना भाई, अब अच्छा कपड़ा नहीं पहन के रखे हो, वो लोग ऐसे मतलब भागेंगे जैसे लगता है इसी को कोरोना हो गया है। मेरा साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। आप थोड़ा गंदा होकर जाइए तो ऐसा करेंगे लगता है ऐसे आप कोरोना, मतलब हम लोग का साथ में घूम रहे हैं, उसका पास में नहीं है कोरोना। और अभी लोग बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे बाज़ार में तो दुनिया भर का भीड़ लगा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं है। और एक बात, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं मास्क इसलिए नहीं लगा हूँ क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ, और जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो मेरा मोबाइल का इतना भी कैमरा उतना कुछ खास है नहीं, साथ में आपका माइक जो है वो भी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। जब मैं मास्क लगाऊंगा तो वो जो आवाज़ जो है वो और नहीं जाएगा उधर में, तो इसलिए मैं मास्क नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बाद में मास्क लगा लेता हूँ। ऐसा नहीं है मास्क लगाना चाहिए भाई। तो कहाँ अभी मैं गली में घुस गया था पता नहीं, शॉर्टकट लेने ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी। सोच रहा था शॉर्टकट लेके जाऊंगा, अभी गली में जाके घूम हो गया, वापस से रोड में आ गया। अभी रोड से वापस तिनली होके उसके बाद चला जाऊंगा एनडी फील्ड। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए और कमेंट में मुझे बताइए कहाँ जाना है। अभी लॉकडाउन है लेकिन वही 12 बजे बंद होता है, इतना टाइम में मैं अपना ब्लॉग बना सकता हूँ, तो बताइए कहाँ पर जाके बनाना है, और नहीं बताइएगा तो होगा भी नहीं फिर। हाँ, और आज में मतलब क्या उतना कॉन्फिडेंस भाई ख़त्म था आज। आज ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती है वो बनाने के लिए, आज उतना मूड था भी नहीं जाने का कहीं, और उसका उतना कुछ हिस्ट्री तो है नहीं जो आप लोगों को बताऊँगा, जो था तो है। और वहाँ पे मतलब कितना 3-4 ब्लॉगर पहले, उससे ज़्यादा ही ब्लॉगर जाके बना चुके होंगे ब्लॉग, और वो बनाया मतलब कितना 3-4 महीना हो गया होगा शायद, 3-4 महीना बाद उसका बाद अभी मैं गया। और दूसरा बात क्या ना भाई, ये आपका ये जो ट्राइपॉड है ये लेके जाने से आदमी लोग मतलब ऐसा देखने लगते हैं, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा नर्वसनेस आ जाते हैं। और आज मैं पता नहीं क्या यार, ऐसे तो मैं एकदम बिंदास जाके बोल देता हूँ बना लेता हूँ ब्लॉग, लेकिन आज मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कमती है भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले आ जाए। और मुझे अपने भाई को सपोर्ट करें, और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ना दोस्तों तो मैं अपना वीडियो अच्छा बनाऊँगा। और मेरा भी मतलब आप लोग ये वीडियो जब देखते हो तो आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा ख़राब मिल रहा है, थोड़ा देख लो कुछ दिन बाद वो अच्छा होने लगे, अच्छा मिलेगा आप लोग को।
अभी मेरा मोबाइल का कैमरा जो है उतना कुछ खास नहीं है, तो मोबाइल लूँगा दूसरा और उससे बनाऊँगा। तो अभी आप लोग ये झेल लो दोस्तों, और क्या। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए।